नमस्कार दोस्तों दोस्तों श्रीदेवी का हार्ट अटैक से निधन। 54 वर्षीय अभिनेत्री ने दुबई में ली अंतिम सांस। बॉलीवुड अभिनेत्री श्रीदेवी का निधन हो गया है। 54 वर्षीय अभिनेत्री दुबई में भांजे की शादी में गई थी, वहीं उन्हें हार्ट अटैक हुआ और वे दुनिया को छोड़कर चली गईं। शनिवार रात 12 बजे के बाद श्रीदेवी को हार्ट अटैक आया था। हादसे के वक्त उनके पति बोनी कपूर और छोटी बेटी उनके साथ थी। 1963 में जन्मे श्रीदेवी ने 1967 में एक बाल कलाकार के रूप में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। श्रीदेवी ने हिंदी के अलावा तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयाली फिल्मों में भी काम किया। वर्ष 2012 में उन्होंने इंग्लिश विंग्लिश के साथ बॉलीवुड में कमबैक किया था। श्रीदेवी को 2013 में चौथे उच्चतम नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। जाने श्रीदेवी से जुड़ी बातें। श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत महज 4 साल की उम्र में एक तमिल फिल्म कंधन करुणई से कर दी थी। उन्होंने बाल कलाकार के रूप में तेलुगु और मलयालम फिल्मों में भी अभिनय किया था। दक्षिण भारतीय फिल्मों में काम करने के बाद श्रीदेवी ने साल 1979 में बतौर मुख्य कलाकार फिल्म 16वां साल से अपने हिंदी फिल्म करियर की शुरुआत की। 80 के दशक में हिंदी फिल्मों में श्रीदेवी अपने चरम पर थीं। उन्होंने हिम्मत वाला, तोहफा, मिस्टर इंडिया, नगीना जैसी सुपरहिट फिल्में दी। उन्हें लेडी अमिताभ बच्चन कहा जाने लगा था। साल 1997 में फिल्म जुदाई के बाद से श्रीदेवी 15 सालों के लिए फिल्मों से दूर रहीं। साल 2012 में फिल्म इंग्लिश विंग्लिश से उन्होंने वापसी की और वह भी सुपरहिट साबित हुई। साल 2017 में श्रीदेवी की फिल्म मॉम रिलीज हुई थी। श्रीदेवी ने फिल्मों में लंबी पारी खेली और मॉम उनकी 300वीं फिल्म थी। दोस्तों हम आप तक नई नई जानकारी पहुंचाते रहे, इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।